राष्ट्रपति एस कुमार घराने में दरार, संपत्ति को लेकर भाई बना भाई का दुश्मन। एस कुमार टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, लेकिन इस परिवार के अंदरूनी झगड़े सरेआम हो गए हैं। इस परिवार के एक सदस्य आलोक कुमार कासलीवाल ने अपने भाई और रिश्तेदारों पर आरोप लगाया है कि उनको संपत्ति से बेदखल होने के लिए धमकाया जा रहा है। मशहूर औद्योगिक घराना एस कुमार, ये परिवार खबरों में है, पर इस बार अपने किसी प्रोडक्ट की वजह से नहीं बल्कि पारिवारिक झगड़े की वजह से। एस कुमार्स के फाउंडर शंकर लाल कासलीवाल का एक बेटा कह रहा है कि उसे अपना हक छोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। उसे धमकाने वाला कोई और नहीं बल्कि परिवार के ही लोग हैं। वो आरोप लगा रहा है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो एस कुमार्स का सदस्य होने का दावा छोड़ दे, अपना घर छोड़ दे। इन आरोपों ने बिजनेस सर्कल में सनसनी मचा दी है। जो अपने बाप को अपने दादा को बोलता है कुछ नहीं है, जिन्होंने पूरे एस कुमार ग्रुप को बनाया है, तो आप सोचिए ये मतलब कितने नालायक और कितने, मैं आपको क्या बोलूं, मैं अब शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस जो बाप को नहीं छोड़ा वो दुनिया को क्या छोड़ेगा। मुंबई के बेहद पॉश इलाके यानी पेडर रोड का ये फ्लैट है आलोक कासलीवाल का। कासलीवाल का दावा है कि वो एस कुमार ग्रुप के पार्टनर हैं, लेकिन उनके घर की हालत देखकर शायद ही कोई इस बात पर यकीन करे। आलोक का आरोप है कि उसके अपने ही भाइयों ने उसकी ये दशा की है। मैं तो तीसरी माँ का सौतेला बैठा हूँ, मेरे बाप ने मेरी जायदाद मेरे नाम पे की, सब कुछ बनाया, ट्रस्ट बनाया, खाके बैठ गए। आप बताओ, मुझे लोगों ने नीलाम कर दिया, दे ब्रॉट मी ऑन द रोड। आज आप मुझे इतना, आपने अभी जो बताया हमारे को, इन लोगों ने खाने खाने के लाले कर दिए। आखिर क्या है आलोक का सच? आलोक शंकर लाल कासलीवाल की तीसरी पत्नी के बेटे हैं। आलोक का दावा है कि एस कुमार का मतलब है शंकर लाल और उनके छह बेटे, लेकिन उनके सौतेले भाइयों ने खुद को एस कुमार का फाउंडर बताकर उसे और उसके भाइयों को संपत्ति से बेदखल कर दिया। आलोक का कहना है कि उनके पास वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि वो भी एस कुमार ग्रुप के सदस्य हैं और उसके पार्टनर भी। लेकिन कासलीवाल परिवार ने आलोक के सारे आरोपों को नकार दिया है। उधर आलोक ने परिवार की संपत्ति में अपने हक की मांग को करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है, यानी परिवार की लड़ाई अब अदालत पहुंचने वाली है। आलोक कासलीवाल के आरोपों पर हमने एस कुमार के एमडी और आलोक कुमार के भतीजे नितिन कासलीवाल से बात की। नितिन आलोक के आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं और उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। नितिन कासलीवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आलोक कासलीवाल के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आलोक कासलीवाल पिछले 25 सालों से कासलीवाल परिवार को तंग कर रहा है। कासलीवाल परिवार के किसी भी सदस्य ने आलोक कासलीवाल को कभी कोई धमकी नहीं दी है। उल्टे कुछ दिनों पहले आलोक कासलीवाल ने मुझसे मामले को सुलझाने की पेशकश की, लेकिन मैंने इसे नहीं माना। एस कुमार भारत का एक बड़ा टेक्सटाइल ग्रुप है और मैं खुद हर रोज 15 घंटे काम करता हूँ। ऐसे में आलोक के आरोपों की तरफ ध्यान देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे मुताबिक हमें जानने वाले आलोक के इन आरोपों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। आलोक कुमार कासलीवाल पिछले 25 सालों से अपने भाइयों से जायदाद में हिस्सा मांग रहे हैं। अब अपना हक लेने के लिए वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने जा रहे हैं। ये सब फैमिली मेंबर्स को हमारे फादर ने एज द टाइम पास बाय सभी को डायरेक्टर्स, पार्टनर, शेयर होल्डर्स बनाया, और आज तक वेयर एज आई एम कंसर्न्ड, इवन टुडे आई एम अ पार्टनर इन द एस कुमार ग्रुप। आलोक का दावा है कि एस कुमार का हेड ऑफिस पेडर रोड स्थित फ्लैट्स जिसमें उसके सौतेले भाई रहते हैं, इंदौर का बंगला और इंडस्ट्रीज में उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए, यानी करोड़ों की प्रॉपर्टी में हक। प्रॉपर्टी के इस झगड़े की वजह से देश के इस बड़े टेक्सटाइल ग्रुप की साख दांव पर लग गई है। सुशोभन पाटणकर के साथ रविंद्र आंबेकर, मुंबई, IBN 7। हमारी संवाददाता अर्चना इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे ताजा अपडेट्स ले लेते हैं इस पूरे मामले में। अर्चना, अभी मामला कहां आकर अटका है और अदालत तक जाने की बात हो रही है, परिवार के जो तमाम लोग हैं जो अब खेमों में बट गए हैं, क्या कहना है उनका?
देखिए मुग्धा, ये पहली बार नहीं है कि किसी कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी को लेके पूरे अदालत में जा रहा है। हमने देखा है पहले रिलायंस जैसा जो बहुत बड़ा ग्रुप है वो भी प्रॉपर्टी के मामले को लेकर, अनिल और मुकेश अंबानी भी खबरों में आए थे, वैसे ही दूसरी बार ये एस कुमार का ग्रुप है जिसमें भाई भाई फिर से प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। बात यह है कि एस कुमार जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत जाना माना नाम है, पर यहाँ जो इसके जो मेन पर्सन थे शंकर लाल, जिनके नाम से ये एस कुमार ब्रांड आई हुई है, वो शंकर लाल ने 3 शादियां की थी और उनके जो तीसरी नंबर की बीवी है उनका लड़का आलोक कुमार, वो अपने भाइयों के साथ प्रॉपर्टी के मामले को लेकर अदालत जाने की सोच रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 25 साल से वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं लेकिन उनके जो सौतेले भाई है वो उनको कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं। मुग्धा, अदालत में जाने की बात कर रहे हैं लेकिन जो परिवार का दूसरा खेमा है वो उनके आरोपों को सरासर गलत बता रहा है, उनका क्या कहना है? जी देखिए मुग्धा, नितिन जो अभी फिलहाल एस कुमार के एमडी है उनसे हमने बात की, तो नितिन का कहना है कि हमने किसी भी तरह अर्चना माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, मैं आपसे अपनी चर्चा बढ़ाऊंगी। आलोक कासलीवाल साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आलोक साहब, मैं जानना चाहूंगी कि आपने धमकी की बात कही है, आपको जायदाद से बेदखल करने की बात की जा रही है, एक बार विस्तार से जानना चाहूंगी कि आपकी क्या शिकायतें हैं और अब आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी नहीं है जी, आप मुझे फिर से जरा क्वेश्चन करेंगे? बिल्कुल आलोक साहब, आपका पक्ष जानना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, क्या पक्ष है आपका? आप आरोप लगा रहे हैं अपने परिवार के दूसरे लोगों पर कि वो आपको धमकियाँ दे रहे हैं, विस्तार से जानना चाहूंगी कि क्या पक्ष है आपका और क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जो नितिन कासलीवाल जो आप देख रहे हैं, आज इसने मुझे ये धमकी दी है कि अगर मैं इन लोग के साथ सेटलमेंट नहीं करता हूँ, ये लोग मुझे बच्चों जैसी बातें करते हैं, करोड़ों की जायदाद के सामने 2 करोड़ और 3 करोड़ और 5 करोड़ की बातें करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो एस कुमार लोगों का केस ये लोग ने मेरे ऊपर मिस्चीवियसली 2001 में फाइल किया है, जो हमारा फैमिली लोगो है जी, और वो एस कुमार लोगो हम पूरा कासलीवाल परिवार, हमारे जो फादर की जो 3 शादियां हुई मैंने आपको बताया है जी, हम सब पूरी एस कुमार फैमिली ओरिजिनल फैमिली है, ये सबको राइट बनता है यूज करने के लिए, हम सब यूज कर रहे हैं। मैं इन लोगों ने 2001 में मुझे केस फाइल किया है एस कुमार लोगों में, तो उसके पहले मैं यूज कर रहा हूँ तो तब क्यों नहीं फाइल किया उन्होंने? आलोक साहब, अब आप क्या चाहते हैं, आप अदालत जा रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से मैं जा रहा हूँ अदालत, मैं ये नितिन कासलीवाल और अभय कुमार, शंभू कुमार कासलीवाल, अंबुज कासलीवाल, विकास, नितिन, मुकुल, वारिज, ये सब मैं आपको ऐलान करके बताऊँ, ये सब फ्रॉड है, ये लोग चीटर लोग हैं, ये पूरे इंडिया को मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ कि दे आर चीटिंग नॉट ओनली मी बट ये एंटायर इंडिया, ये अपने आप को फाउंडर क्लेम करके हमारी जो तीसरी माँ के बच्चे इंक्लूडिंग मी, आई एम दी फॉरमोस्ट प्रेजेंटली, हम सबको ये हैरान करके हैरस करके पूरी जायदाद हड़पने की कोशिश में है। आलोक कासलीवाल जी, आप भी जायदाद के उतने ही मालिक हैं जितने आपके पिता के दूसरे बच्चे, ऐसे में आपको क्यों लग रहा है कि ये आपको बेदखल करने में कामयाब हो जाएंगे? अभय कुमार जी कासलीवाल जो गुजर गए हैं, शंभू कुमार जी कासलीवाल जो जिंदा हैं और इनके 5 बेटे, ये लोग क्या चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके पूरा एस कुमार ग्रुप, पहली माँ के बच्चे और उनके ग्रैंडसन हैं, हड़प लिया जाए पूरा। दे वॉन्ट टू हैव सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ द एस कुमार ग्रुप अंडर द चिल्ड्रन ऑफ द फर्स्ट मदर एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फर्स्ट मदर, विच इज मिस्चीवियस, ये मैलाफाइड है। आई एम पार्टनर इवन टुडे, मैं 24% पार्टनर हूँ एस कुमार के वेरियस कंसर्न कंपनीज में, मैं हेड ऑफिस ऑफ द एस कुमार ग्रुप का मालिक हूँ, आई एम बेनिफिशियरी। अभय कुमार, शंभू कुमार ट्रस्टी है और वो चोरी करके जबरदस्ती गुंडागर्दी करके वो हत्या के बैठे हुए हैं। नितिन कासलीवाल ये लोग बोलते मेरा कोई हक नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ नितिन कासलीवाल, शंभू कुमार कासलीवाल और इनके पांचों बेटों को कि मेरे साथ में चैनल पे बैठे उनके डॉक्यूमेंट निकाले, मेरे डॉक्यूमेंट निकाले, मैं चैलेंज करता हूँ, ये प्रूव करें कि एस कुमार ग्रुप ये लोग ने फाउंड किया है। मैं चैलेंज करता हूँ नितिन कासलीवाल को कि सब डॉक्यूमेंट जितने भी हमारे फादर को पूछे
मुझे बाबा बोलते हैं कि बाबा की 1980 तक बाबा जब तक जिंदा थे जो भी कंपनियां एस्कुमास की हैं वो सब बाहर निकाले हैं, उसके कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो पार्टनर्स हैं, इनकॉर्पोरेशन डेट है और एस्कुमास ग्रुप की कोई भी टर्नओवर जो जो टर्नओवर कंपनी फर्मों ने किया है वो सब बाहर निकाले, दूध का दूध और पानी का पानी एकदम हो जाएगा, नितिन कासलीवाल एकदम चोर घोषित हो जाएगा। अगर उनमें दम है तो आए सामने चैनल के सामने। शंभू कुमार जी पीछे बहुत इज्जत रखते हैं अपनी, इन लोग ने अपना अपना सुंदर सुंदर घोड़ा घोड़ा चेहरा सामने रखे, दुनिया को हंस हंस के बात करते हैं, ये सबको बेवकूफ बना रहे हैं। आलोक कासलीवाल साहब, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार नितिन कासलीवाल साहब से संपर्क साधने की और उनका पक्ष जानने की। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, ब्रेक लेकर वापस आती हूं मैं और फिर आपसे मैं बात करती हूं।